गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर रनिंग में था, चैप्टर सेकंड द ब्राउनी रैट. ओके, जो चैप्टर रनिंग में था उस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट किए थे सॉल्व करना. ओके, सो व्हाट वी विल डू इन दिस क्लास, कि आगे के जो क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्वेश्चन सेकंड आंसर इन वन वर्ड, वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे. ओके, व्हाट विल डू इन दिस क्लास. आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मिक्स सेंटेंसेस, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी इस क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट एंड डैश लिव्ड ऑन हाई ब्रांच ऑफ द ट्री. जो ट्री थी उसकी हाई ब्रांच पर कौन रहता था, उस ट्री के ब्रांचेस पर कौन रहता था? एन आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल. एन आउल लिव्ड ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री, उस ट्री की हाई ब्रांचेस पर आउल रहता था. ओके, नेक्स्ट सेकेंड द कैट वॉज कॉट इन द डैश नेट. जो कैट थी वो कहाँ फंस गई थी, जो कैट थी वो किसके जाल में फंस गई थी, किसके नेट में फंस गई थी? द कैट वॉज कॉट इन द हंटर्स नेट. जो हंटर था, जो शिकारी था, उसके नेट में फंस गई थी. क्यों? क्योंकि उसने शाम को वो जो नेट था वो ट्री के पास डाल दिया था. एंड जब कैट चूहे को, माउस को खाने के लिए, अपना फूड सर्च करने के लिए वो बाहर आती है, तो वो उस नेट में फंस जाती है. तो वो नेट किसका होता है? हंटर्स नेट, एच यू एन टी ई आर एस, हंटर्स नेट. वो हंटर का जो नेट होता है उसमें फंस जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एंड डैश इज अ फ्रेंड ओनली इन द टाइम ऑफ नीड. कि कौन जब उसे जरूरत होती है, जब उसकी उसे नीड होती है तो दोस्त बन जाता है. क्या स्टडी किया था हमने? कि दुश्मन भी जरूरत के समय दोस्त बन जाता है. ओके, सो एन एनिमी, दुश्मन को क्या कहते हैं? एनिमी. सो ई एन ई एम वाई, एनिमी. एन एनिमी इज अ फ्रेंड ओनली इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय दुश्मन भी दोस्त बन जाता है. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, द डैश एंड द डैश रैन अवे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द कैट. कि कौन और कौन, डैश और डैश जो है वो बिल्ली के डर से भाग जाते हैं. कौन कौन भाग जाते हैं? आउल एंड मोंगूज, आउल एंड मोंगूज, ओ डब्ल्यू एल आउल एंड एम ओ एन जी ओ ओ एस ई मोंगूज. आउल और जो मोंगूज हैं वो जो कैट है उसके डर से भाग जाते हैं. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, द कैट डैश दैट द रैट वॉज वेरी क्लेवर. कि जो कैट है उसने क्या किया, कि उसे क्या हुआ कि जो रैट जो है वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा क्लेवर है. सो द कैट रियलाइज्ड, कैट को रियलाइज होता है कि जो रैट है वो बहुत ज्यादा क्लेवर था. रियलाइज्ड, आर ई ए एल आई एस ई डी, रियलाइज्ड. द कैट रियलाइज्ड दैट द रैट वॉज वेरी क्लेवर. कैट को ये रियलाइज होता है कि जो रैट था वो बहुत ज्यादा क्लेवर था. ओके, नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन सी कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, स्टेट ट्रू टी और फॉल्स एफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, जो फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट्स हैं, जो ट्रू है उसके लिए हमें टी राइट डाउन करना है, एंड जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए हमें एफ राइट डाउन करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, देयर वर फोर होल्स इन द ट्री. कि ट्री में फोर होल्स थे? नहीं, ट्री में फोर होल्स नहीं थे. ट्री पर तो फोर जो एनिमल्स हैं वो लिव करते थे, वो रहते थे. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट वी हैव टू राइट एफ. वी हैव टू राइट एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट, सेकंड, द कैट लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्रंक. जो कैट है वो उस जो बेनियन ट्री है उसके ट्रंक होल में रहती थी ऑब्वियसली. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द कैट lived in the howl of the trunk. Okay, next, question third, the cat came out in search of owl. Jo cat hai wo owl ki search mein bahar aayi thi. No, the cat came out in search of rat. Wo jo cat hai wo रैट के सर्च, रैट को, चूहे को सर्च करने के लिए बाहर आई थी, एज हिज एज हर फूड, अपने फूड के लिए. ओके, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. द स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट वी हैव टू राइट एफ. फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या राइट डाउन करना है? एफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द रैट वॉज हैप्पी टू सी द कैट इन द ट्रैप. जो रैट था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जो बिल्ली है उसे फंसा हुआ देखकर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द रैट एंड द कैट वॉज एनिमीज. जो रैट और जो कैट हैं वो क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं. सो रैट ने जब कैट को नेट में देखा ट्रैप्ड तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एंड फॉर ट्रू स्टेटमेंट वी हैव टू राइट टी. ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्या राइट डाउन करना है? टी. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, द आउल एंड द मोंगूज वर फ्रेंड्स. जो आउल और जो मोंगूज हैं, ओके, जो आउल और जो मोंगूज हैं वो दोनों दोस्त थे. नो, द जो आउल और जो मोंगूज हैं वो दोनों दोस्त थे. ओके, आउल और मोंगूज क्या थे? दोस्त. क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर में ये स्टडी किया था कि जब कैट जो थी वो ट्रैप्ड थी तो मोंगूज और आउल साथ साथ में आ रहे थे. ओके, तो जब वो दोस्त थे तभी तो वो साथ आ रहे थे ना, वरना तो वो एनिमीज होते वो वो कभी साथ नहीं आते. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू दैट द आउल एंड द मोंगूज वर फ्रेंड्स. की जो आउल और जो मोंगूज हैं वो फ्रेंड्स थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स. कि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें कि ये वर्ड्स यूज होने चाहिए. ओके, ये वर्ड्स यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं. ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन ई है ये आपको सेल्फ करना है. ओके, आई विल टेल यू ओनली वन एज एन एग्जाम्पल. मैं आपको एक बताती हूँ एज एन एग्जाम्पल. फर्स्ट, एनिमी. एनिमी के लिए क्या कहेंगे? दे वर एनिमी, वो दुश्मन थे. टी एच ई वाई दे, डब्ल्यू ई आर ई वर, ई एन ई एम वाई एनिमी, वो दुश्मन थे. दे वर एनिमी. सो इस सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया? एनिमी यूज किया. सो इसी तरह से आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं उनमें हाउल, ट्रैप, प्रूव एंड बिलीव, ये वर्ड्स यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं. अगर और आपको ना जो क्वेश्चन सी एंड जो क्वेश्चन डी है, क्वेश्चन सी एंड डी यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. ओके, क्वेश्चन सी और डी जो है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, एंड क्वेश्चन ई इन योर बुक. क्वेश्चन ई कहाँ करना है आपको? अपनी
बुक में। आप ये सेंटेंसेस चैप्टर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बाय।